पीठा उससे 1400 रुपए ले लेता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बेटा, अंडे बेचे हैं तो क्या हुआ, हमें हफ्ते बाद अंडे मिल जाएंगे, फिर मैं अंडों की भाजी भी बनाऊंगी और अपनी बीमारी के इलाज के लिए दवाई भी बनाऊंगी। फिर अगले दिन सलमान एक काम से बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि मुल्क में अंडों का इतना सख्त बहरान शुरू होने वाला है कि एक अंडा 500 रुपए का मिलेगा। वो ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अपनी माँ को बताता है। अम्मी जान, मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है, बहुत जल्दी अंडा 500 रुपए का हो जाएगा। अच्छा बेटा, शुक्र है तूने 7 दिन पहले ही अंडे बुक करवा दिए थे। जी अम्मी जान, असल में मैंने आने वाली किल्लत को भाप लिया था, इसलिए ही अंडे बुक करवा दिए थे। बेटा बस तू हफ्ता पूरा होते ही वहाँ पहुँच जाई और उससे अंडे ले आई। जी अम्मी जान, आप बेफिक्र होकर दाल पकाएं, हफ्ते बाद मैं अंडे लेकर आपकी झोली में डाल दूंगा। वहाँ मीठे को भी इस बात का पता लग जाता है कि एक अंडे की कीमत 500 रुपए होने वाली है, इसलिए वो मुर्गी घर फार्म हाउस के मालिक से सौदा कर लेता है। हाँ हाँ बेटे, मुझे पता है तुम्हारे पास एक मुर्गी है, तुम 500 रुपए के हिसाब से मुझे रोज एक अंडा देते रहो, मैं तुम्हें एडवांस में 2 लाख रुपए दे देता हूँ। वाह सर वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है, मुझे ये सौदा मंजूर है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो और मेरे से रोज एक अंडा लेते रहना। फिर मीठा उसे 2 लाख रुपए ले लेता है और मालिक रोज मीठे के घर अपना मुलाजिम भेजता है और उससे एक अंडा लेकर आता है। इस तरह एक हफ्ता पूरा हो जाता है। अबे जान, आज हफ्ता पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ अंडे लेने के लिए। हाँ हाँ बेटा, और जरा अंडे अच्छी तरह छुपा कर आई, ऐसा ना हो कि किसी की नजर पड़ जाए या कोई चोर तुझसे अंडे ना चोरी करके ले जाए। अम्मी जान आप बेफिक्र हो जाए, मैं बहुत एहतियात से अंडे लेकर आऊंगा। फिर वो लड़का अंडा लेने के लिए घर से निकल जाता है और चलता चलता मीठे के पास पहुंच जाता है तो उस वक्त मुर्गी घर के मालिक का मुलाजिम उससे अंडा लेकर जा रहा होता है। भाई जान, ये आपने अंडा इसको क्यों दे दिया? मेरी मर्जी, अंडा किसका है? मेरा। मुर्गी किसकी है? मेरी। मुर्गी के पेट में देसी घी का दाना कौन डालता है? मैं तो मैं जिस मर्जी को अंडा दूं। भाई पर मैंने तो आपको अंडों के पैसे दिए हुए थे, मुझे 6 अंडे दे दो। 6 अंडे? अपनी शक्ल देखी है, एक अंडा 500 का हो गया है और तू मुझे 200 रुपए के हिसाब से पैसे देकर मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। चल भाग जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है और कोई अंडे नहीं है। वो लड़का मीठे की ये बात सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो दरख्त के पास से गुजर रहा होता है तो उसे वही मुर्गी नजर आती है। ये तो वही मुर्गी है ना जिससे मीठा रोज अंडे निकलवाता है, इसने मेरे से 1400 रुपए लिए है, मैं इसकी मुर्गी ले जाता हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। वो लड़का मुर्गी उठाता है और अपने साथ ले जाता है तो रास्ते में मुर्गी बोल पड़ती है। लड़के मुझे नीचे उतार, मैंने तुझसे बात कर दी है। मुर्गी को बोलता देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और उसे नीचे उतार देता है। मुर्गी बाजी, आप बोलती भी हो? हाँ बोलती हूँ, ये तो उस मीठे मनहूस ने मेरे अंडे निकलवा कर मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। तुम मुझे इसलिए लेकर जा रहे हो न कि तुम मेरे अंडे बेचोगे? नहीं नहीं मुर्गी बाजी, मैं आपके अंडे हरगिज नहीं बेचूंगा, बल्कि उनसे दवाई बनाऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों का इलाज होता है और मेरी अम्मी भी बीमार है, उनका भी इलाज करेंगे। इसका मतलब तुम्हें पैसों की लालच नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं। पर मुर्गी बाजी, आप तो रोज एक अंडा देती हो ना? ये तो मैं उस लालची इंसान को एक ही अंडा
अंडा देती थी। तुम मेरे अंडे देखना चाहते हो? जी जी मुर्गी बाजी दिखाओ। फिर वो मुर्गी एक झटके से एक बड़े सोने के घर में बदल जाती है। वो लड़का उसके अंदर जाता है तो अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। वो लड़का बाहर आता है। हाँ आप देख लिए मेरे अंदर कितने अंडे हैं? वाह वाह मुर्गी बाजी, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ताकि मेरी उस मीठे से जान छूट जाए। तुम चाहो तो मेरे अंदर भी रह सकते हो और जितने मर्जी चाहे अंडे भी ले सकते हो। फिर वो लड़का उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को बताता है तो वो मुर्गी सोने के मुर्गी घर में बदल जाती है। वो दोनों माँ बेटा उसके अंदर जाते हैं और काफी सारे अंडे इकट्ठे करते हैं। अगले दिन मुर्गी घर के मालिक का मुलाजिम मीठे से अंडा लेने आता है तो मीठा हर जगह मुर्गी ढूंढता रहता है लेकिन मुर्गी नहीं मिलती। भाई तुम फार्म पर जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। फिर मीठा घर आता है। बेगम मैंने मुर्गी हर जगह देख ली है, कहीं पर नहीं है। मीठे तुझे कहा था ना इसको दड़बे में बंद करके रख दे, तूने बात नहीं मानी, अब देख ले अंजाम क्या हो गया। बेगम अब वो मुर्गी घर का मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा, तू 2 लाख रुपए दे ताकि मैं उसको वापस कर दूं। फिर मीठा 2 लाख रुपए लेकर उसके पास जाता है और उसके 2 लाख रुपए वापस कर देता है। मीठे को सिर्फ 1400 की लालच में 2 लाख का नुकसान हो जाता है, इसलिए लालच और बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तुम मेरे अंडे बेचोगे? नहीं नहीं मुर्गी बाजी, मैं आपके अंडे हरगिज नहीं बेचूंगा, बल्कि उनसे दवाई बनाऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों का इलाज होता है और मेरी अम्मी भी बीमार हैं, उनका भी इलाज करेंगे। इसका मतलब तुम्हें पैसों की लालच नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं। पर मुर्गी बाजी आप तो रोज एक अंडा देती हो ना। ये तो मैं उस लालची इंसान को एक ही अंडा देती थी। तुम मेरे अंडे देखना चाहते हो? जी जी मुर्गी बाजी दिखाओ। फिर वो मुर्गी एक झटके से एक बड़े सोने के घर में बदल जाती है। वो लड़का उसके अंदर जाता है तो अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। वो लड़का बाहर आता है। हाँ आप देख लिए मेरे अंदर कितने अंडे हैं? वाह वाह मुर्गी बाजी, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ताकि मेरी उस मीठे से जान छूट जाए। तुम चाहो तो मेरे अंदर भी रह सकते हो और जितने मर्जी चाहे अंडे भी ले सकते हो। फिर वो लड़का उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को बताता है तो वो मुर्गी सोने
सोने की मुर्गी घर में बदल जाती है। वो दोनों माँ बेटा उसके अंदर जाते हैं और काफी सारे अंडे इकट्ठे करते हैं। अगले दिन मुर्गी घर के मालिक का मुलाजिम मीठे से अंडा लेने आता है तो मीठा हर जगह मुर्गी ढूंढता रहता है लेकिन मुर्गी नहीं मिलती। भाई तुम फार्म पर जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। फिर मीठा घर आता है। बेगम मैंने मुर्गी हर जगह देख ली है, कहीं पर नहीं है। मीठे तुझे कहा था ना इसको दड़बे में बंद करके रख दे, पूरे बात नहीं मानी, अब देख ले अंजाम क्या होगे। बेगम अब वो मुर्गी घर का मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा, तू 2 लाख रुपए दे ताकि मैं उसको वापस कर दूं। फिर मीठा 2 लाख रुपए लेकर उसके पास जाता है और उसके 2 लाख रुपए वापस कर देता है। मीठे को सिर्फ 1400 की लालच में 2 लाख का नुकसान हो जाता है, इसलिए लालच और बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।